खबर सागर मध्य प्रदेश की तहसील माथोन मुख्यालय से है, जहां पर पंजाब नेशनल बैंक शाखा में शाखा प्रबंधक पर एक व्यापारी एवं उसके पुत्र ने गाली गलौज कर मारपीट करने पर उतारू हो गए। हुआ यह कि राजेंद्र चौधरी एवं इनका पुत्र अनुभव चौधरी बैंक शाखा आए हुए किसी बात को लेकर दोनों पिता पुत्र शाखा प्रबंधक पर बहस करने लगे और गंदी गंदी गालियां देने लगे, यहां तक कि मारपीट करने पर भी आमदा हो गए। बैंक उपभोक्ताओं ने बीच बचाव कर मैनेजर को बचाया। मामला शांत होने पर शाखा प्रबंधक एवं साथी कर्मचारियों ने थाना माथुन में शिकायत दर्ज करवाई और उक्त घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जो कि सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही है। सर कोई यहाँ पे कोई वाद विवाद वाली घटना हुई है बैंक के अंदर? हाँ, एक अनुभव जैन जी हैं, वो आए थे और बिना किसी काम के गाली गलौज शाखा में सभी स्टाफ से गाली गलौज करने लगे। कुछ ग्राहक बैठे थे, अभद्रता करने लगे, बार बार मारने के लिए हम पूरे स्टाफ सदस्य को मेरी मारने के लिए तत्पर होने लगे। हम लोग का अपने समझाने का हाथ जोड़कर बहुत प्रयास किया कि आप शांत रहें, अपनी बात बताएं, हम आपको उसका समाधान कर सकें, लेकिन नहीं, वो अपनी बातों पर रहे और गाली गलौज करते रहे, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते रहे। फिर उन्होंने अपने पिताजी श्री राजेंद्र जैन जी को बुला लिया, उसके बाद उन्होंने बार बार मारने की हमला किया, जिससे कि स्टाफ सदस्यों ने मुझे बचाया। कुछ ग्राहक बैठे थे, उन्होंने भी मुझे बचाया। पूरा स्टाफ और मैं इस समय बहुत भयभीत थे, वो लोग बहुत बड़े आदमी हैं, कुछ भी मेरे साथ घटना कर सकते हैं, स्टाफ के साथ कोई भी झूठी शिकायत या अन्य प्रकार की कोई भी आपराधिक गतिविधि कर सकते हैं। आज हमने थाने में जाकर प्रार्थना पत्र दिया है, अगर उस पर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो कल परसों हम SP महोदय से मिलेंगे और मुकदमा पंजीकृत करा के उचित कार्रवाई की मांग करते हैं। ऐसे कठिन समय में जब एक बैंकर इतनी मेहनत से ईमानदारी से काम कर रहा है, इतनी भीड़ जैसा कि आप देखते हैं तब काम कर रहे, उसके बावजूद ऐसे अराजक तक बैंक के लोगों का उत्साह न बढ़ाते हुए उनको ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिससे उनका मनोबल बढ़ रहा मनोबल कम हो रहा है। मेरी अपील है सभी उनसे कि उन ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाए और हमें न्याय दिलाया जाए। अभी पुलिस जांच के लिए आई थी कि नहीं आई? पुलिस अभी जांच के लिए नहीं आई थी, सुबह मैडम थी नहीं तो आवेदन दे दिया था, अभी FIR पंजीकृत नहीं हुई है। अगर कल तक FIR पंजीकृत नहीं होती है तो कल शाखा बंद करके SP के पास स्टाफ सदस्य जाएंगे, जब तक उचित कार्रवाई नहीं हुई तब तक हम अपने कदम वापस नहीं लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज़।